स्वागत है आपका सुरार एक्सेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर सुकमा से, जहां पर मुकर्रम के पास नक्सलियों ने राहगीरों के वाहनों को रोककर उन्हें बंधक बना लिया और रोड को काटने लगे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। वहीं पुलिस से मुठभेड़ में नक्सली अपने आपको कमजोर पड़ता देख वहां से भाग निकले। सर्चिंग के दौरान तीन नक्सलियों के शव और इंसास राइफल सहित भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है। मारे गए नक्सली की पहचान मिलिशिया कमांडर मुशाकी हिडमा के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हाल ही में ये जेल से वापस आया था। मिलिशिया कैसे कैसे पहुंची तो वहां पे एंबुश लगा करके उन्होंने रखा हुआ और एंबुश के दौरान फायरिंग होने शुरू की तो हमारी पार्टी जवाब दिया। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच फायरिंग चली और फायरिंग के पश्चात जब इलाके की सर्चिंग की गई तो वहां से 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई और साथ में भरमार हथियार और एक इंसास वेपन रिकवर हुआ है। और भोपाल से